मॉर्निंग हो गई है, अभी इसको दूध पिला रहे हैं, तो देखो दूध ये देखो इसको मैं दूध पिलाने, ये मतलब ब्रेकफास्ट है इसमें ना, ये मूसली है और ये नहीं जब तक नहीं जाएगी जब तक ये खाएगी। शानी बेटे जल्दी कर लो ना, ऐसा मतलब कि आपने कोई बच्चा नहीं खाया तो दूध को कम्प्लीट कर, लास्ट में ले लूंगी जल्दी दूध पी ले। मैं हर रोज मतलब बस ये ऐसे ही महाभारत होती है, इसको जबरदस्ती ढूस ढूस के खाना खिलाती हूँ, तब जा करके फिर देखो कोई भी घर पे आता है ना तो फिर मेरे को बोलते हैं कि भाई इसको भी खिला ले। मैं जबकि हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, हम लंच ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही करते हैं 3-4 बजे, पर बच्ची है भाई अपना जो इसको दिया जाता है पूरा खत्म कर, अब देखो ऐसे पकड़ पकड़ के रखा है, जल्दी कर लो भाग जाएगी ऐसे नहीं तो ना, जल्दी कर ले तू भाग जाएगी, जल्दी कर शानी बेटी जल्दी कर, जल्दी फिर चले जाना फिर नहीं बोल। इस लड़की को मैंने बड़ी मुश्किल से पाला है और जल्दी कर शानू, इसमें कोई ओवर एक्टिंग नहीं चलती। लंच में बन रहे हैं दाल चावल, तो चावल आजकल मैं ज़्यादातर चूल्हे पे बनाती हूँ और ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, दाल इसमें डाली थी बॉईल करने के लिए और इसमें ना बड़ी अच्छी तरह से कुक होती है दाल और झंझट भी नहीं होता, मतलब आराम से आप डाल दो फिर टाइमर सेट कर दो तो जब ये पक जाएगी तो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी, मतलब बार बार देखने का भी झंझट नहीं होता। तो तड़का हो गया तैयार, बाकी दाल इसमें ऐड करके, तो ये देखिए जी चावल बने हैं गर्मा गर्म चूल्हे पे और कितने बढ़िया बने हैं। हाँ जी हाँ जी, एकदम खिले खिले से चावल बने हैं, हिलाओ थोड़ा सा। ये जी इनको ना ये वाले चावल अच्छे लगते हैं। हाँ जी बाल सूख गए। हाँ जी सानवी जी सूख गए मेरे बाल तो। हाँ जी खाना खाओ अपना। इसके बाद आज बिल्कुल भी शूट कहीं पर भी नहीं किया क्योंकि YouTube की तरफ से आज मैं थोड़ा सा छुट्टी पे थी और जॉब पे सारा फोकस था मैं, क्योंकि वहाँ का सारा काम आज निपटा दूँगी, तो इस वजह से कोई भी क्लिप्स नहीं बनाए हुए थे। बाकी ये मॉर्निंग रूटीन है, तो अभी बन रही है आज घीये की सब्ज़ी, तड़का बन गया है और घीये की सब्ज़ी लौकी की सब्ज़ी जब भी बनती है तो हम इस तरह से ग्रेट करके दही डाल के बनाते हैं और सुबह सुबह पतिदेव ना इतना फैला देते हैं चीज़ों को और मैं उनको बार बार टोकती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम वो सुधर जाएं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह अच्छी खासी धूप लग चुकी है, ये आप देख सकते हो अभी 8:45 हो गए हैं और ठीक धूप लग गई ये देखो सामने, और मेरे बच्चे ना तैयार हो गए हैं लेकिन टाइम हो गया। शानवी बिट्ठू बेटे जल्दी आओ, चलो जल्दी करो। ये देखो जी ये तेल मालिश हो रही है, जल्दी करो ना टाइम हो गया बेटे, मेरे ना पेट में दर्द लग रही है, गर्मी हो गई है शायद यार। तो बच्चे जा चुके हैं अभी स्कूल और ये कुछ कपड़े धुले हुए थे, ज्यादातर मेरे जो कपड़े धोने का काम होता है ना मशीन में डाल देती हूँ शाम को और वो फिर सुबह जब धूप लगती है तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। अभी मेरी मीटिंग चली हुई थी तो वो कंप्लीट करी, फिर उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट कॉल्स थे वो सारे ख़त्म करने के बाद फिर मैं आगे का अपना कार्यक्रम स्टार्ट करूँगी। कार्यक्रम में सबसे पहले होता है कि घर की साफ़ सफाई और उसके साथ साथ फिर मेरा जो दूसरा चैनल है उसके लिए वीडियो जाता है, फिर उसके बाद जो ये ब्लॉग वाले का होता है तो ये एडिट करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम हम बाहर बैठे होते थे धूप में, बालकोनी में अच्छी खासी धूप लगी होती थी क्योंकि अभी पहाड़ों में ना काफ़ी बर्फबारी हो रही है, ठंड का बहुत मौसम बहुत ख़राब हो गया है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि हिमाचल में बारिश होने वाली है। जब बर्फबारी होती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसलिए हम अंदर बैठे हुए हैं कि यार बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं कर रही है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लंच वगैरह किया तो अभी मुझे थोड़ा बाजार जाना है, क्या नाम थोड़ा बैंक में काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं इच्छा नहीं कर रही अभी रजाई से उठने की, यार इतनी ज़्यादा ठंड है। तो वैसे मुझे ठंड ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे लगती है सबसे अच्छी लगती है गर्मी, कि यार ज़्यादा गर्मी हो तो बंदा फटाफट जाए साफर ले ले एकदम, ठंड में तो ये होता है कि यार आप जैकेट पहनो स्वेटर पहनो। ठंड में ये होता है कि इनको नहाने का भी मन नहीं करता होगा ना। नहीं वो तो होता ही है यार कि यहाँ नहीं, नहीं पर ऐसा नहीं होता, ठंड में आप जितना नहाओगे ना उतना मतलब गर्मी गर्मी फील होती है और जब नहा के निकलते हैं ना तो 10-15 मिनट तो मेरे को तो भाई ऐसा फील होता है बहुत गर्मी, मतलब नहीं स्वेटर भी पहनने का मन नहीं होता,
तो इसलिए मुझे ठंड के दिनों में नहाना ज्यादा पसंद है। वो ऐसे इसलिए होता है ना, जिसकी मतलब कि जो थोड़े मोटे होते हैं ना, जिनकी मोटी चर्बी होती है ना, उनको ठंड भी बहुत कम होती है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी है ना, तो यहाँ पे पता क्या बात है कि जैसे हम दोनों आपस में ऐसे हंसी मजाक, हम तो अपनी तरफ से हंसी मजाक ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में ले लेते हैं। जैसे मैं भी कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने मेरे को बोला कि मोटी चमड़ी है, तो मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये मेरे को टॉन्ट मार रहे हैं, या मैं इनको टॉन्ट मार रही होती हूँ, मैं इनकी इंसल्ट कर रही होती हूँ, या ये मेरी इंसल्ट कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मतलब जैसे होता है ना, मतलब मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था शायद, कि जैसे यार दोस्त होते हैं ना स्कूल में कॉलेज में, तो वो आपस में ऐसे ऐसे इस तरह से मतलब बात करते हैं कि हाँ यार क्या हो है, क्या है, ऐसा है वैसा है ना, क्यों भाई और जान। भाई क्या हाल है? ठीक है, तो उस तरह चले फिर से, कॉफी पीने। इस तरह से ये मेरे साथ बात करते हैं, और मैं भी इनके साथ उसी तरह से, मतलब हमारा रिलेशन वैसे टिपिकल नहीं कि हाँ जी हाँ जी पतिदेव जी क्या बनाए खाने में, लीजिए आप बाहर से आए हैं पानी पी लीजिए, तो उस तरह का रिलेशन आपको नहीं आए, आपने क्या खाना है? मैंने डाइनिंग टेबल में खाना लगा दिया है जी, खा है। लो जी, मैं बाद में खाऊंगी, पहले आप खा लो। तो वैसा नहीं है, मतलब कि हम हंसी मजाक भी करते हैं, सब कुछ मतलब बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, बल्कि छोटी से छोटी चीजों के लिए एक दूसरे को पूछते हैं। तो कुछ एक लोगों का मैंने ये भी देखा, लिख रहे थे कमेंट में कि जैसे भी यूट्यूब है या फिर जॉब है तो भी वंदना रोब झाड़ती होगी, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है, मैं इसको अकेले चला रही हूँ, ये भी तो साथ साथ चला रहे हैं। इवन मैंने कई बार बताया आपको कि मेरे जॉब का मैक्सिमम काम यही करते हैं, तो कहीं पर भी मैं नहीं हूँ। हाँ ये चिढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया, आपने वो नहीं किया, ऐसे वैसे, तो ये एक चिढ़ाने के लिए वे होता है, मतलब इसमें प्यार छुपा होता है। पता नहीं लोग मतलब इतना नेगेटिव क्यों ले जाते हैं चीज़ों को, तो इनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि मैं इनका क्या मतलब इज्जत देती हूँ, इंसल्ट करती हूँ क्या है, और मुझे भी बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये मुझे इज्जत देते हैं, इंसल्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो चीज़ों को इतना नेगेटिव मत लेके जाया करो जितना आप मतलब लेके चले जाते हो। मैं सारों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक लोग बहुत अच्छे से मतलब चीज़ों को समझते भी हैं और बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो इवन मतलब उनको हमारी पुरानी चीज़ें भी ऐसे याद है कि दिल मतलब बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है। मुझे बेसब्री से इंतजार भी रहता है उन कमेंट्स का, और मैं हमेशा रीड करती हूँ। कुछ एक नाम ऐसे हैं कि जो मैं मतलब मैं कमेंट बॉक्स खोलती ही उन्हीं के कमेंट्स रीड करने के लिए हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि भाई हाँ भाई आप सोचो कि भाई जो अच्छे होते हैं तो हम उनको देखते हैं और बुरे होते हैं तो नहीं। देखो अच्छे बुरे की बात नहीं होती है, चाहे कमेंट कुछ भी हो, लेकिन एक कनेक्शन वाला उसमें फील होता है, और एक जो मतलब जबरदस्ती फोर्सफुली किसी की इंसल्ट ही करनी है कि हाँ ब्लॉगर हैं तो भाई इंसल्ट ही करो, तो वो आपकी मेंटेलिटी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने पहले भी बताया था। और आज एक्चुअली वंदना ने कहीं जाना था पर इसको यार बुलाया ही नहीं, नहीं ये मैंने जाना भी नहीं था, नहीं चलो। ऐसा नहीं, जब मैंने जाना भी नहीं था एक्चुअली, मतलब पता क्या होता है ना, एक तो ठंड का मौसम है और दूसरा कि उन्होंने प्लान ही नहीं करा था इस तरह से एक्चुअली। जब ये मेरी सिस्टर की बात करें, उनके बेटे का बर्थडे आज 1 साल का हो गया, वो 26 दिसंबर को, तो कम से जब कम वो, तेरी मम्मी पापा ही बोल देते तुझे साथ में चलने के लिए घूम ले आते हैं हमीरपुर नहीं वो भी वगैरह। शायद खुद भी नहीं एक्चुअली, मतलब इतना बड़ा वो प्लान ही नहीं करा है ना उन्होंने, क्योंकि मैं तो सर जजमेंट, बड़ी खतरनाक जजमेंट करते हैं आप। अरे वही ना, मैं मतलब कि सिक्स सेंस होते हैं कि जहां तक मुझे पता है ना यार, देखो अब परिवार है, परिवार में मुझे पता है कौन क्या कर सकता है, जजमेंट लग जाती है। ठीक है जी महाराज, आपकी जजमेंट बड़ी खतरनाक है। तो बात ये तो है कुछ नहीं, कि मैं यहीं से बोल देता हूँ हैप्पी उनका बर्थडे। नहीं, हैप्पी बर्थडे के लिए मैंने कॉल कर दिया था, ऐसा नहीं, सुबह सुबह मैंने कॉल किया था, एक बारी उसने उठाया नहीं था, फिर दूसरी बार उसने बैक कॉल की थी, तो मैं चिढ़ा भी रही थी मैं, क्या भाई मेरे को तो बुलाया नहीं, ऐसा है वैसा है, होता है ना मतलब आपस में हो जाती है बातचीत ऐसे। तो वो जब पैदा हुआ था ना बेटा उनका, तो उस टाइम पे कर लिया था, जो फंक्शन करते हैं ना घर, मतलब घर में करते हैं, एक तो गंतराड़ा वो भी होता है और बाकी बड़ा फंक्शन किया था, तो अभी उनका प्लान नहीं था कि भी हाँ ठीक है, अब वो भी तो अपनी यार एक सर्विस ऐसे में देखो, बिजी मैं होते ऐसे हैं। अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, मिट्टू था, मिट्टू का भी बड़ा किया था, फिर हर साल भी हम करते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं हम तो बुलाते हैं उनको, ऐसे वो हम तो तो करते हैं हम यार। दोनों का ही करते हैं, शानू हाँ का भी शान वैसे ही भी, करते हैं, हाँ किसी का महेंद्र भी, का भी अरे वैसे ही करते हैं, सारे बच्चों का वैसे ही होता है। इवन मेरे साल में जो एक बार बर्थडे आता है, चलो कोई
कोई कथा नहीं, नहीं वगैरह? यहाँ पे इससे पहले कि कोई गलत कमेंट कर दे, तो मैं ऐसा नहीं, मेरे चार भाई बहन है, और ऐसा नहीं कि भी लड़कों के बर्थडे मनाए जाते थे सबके हमारे घर, मनाए जाते हैं। बल्कि हमारे घर में लड़कियों को ज्यादा, हमारे घर की बात नहीं, हमारे इस एरिया में मैंने जहाँ मैंने अपनी रिश्तेदारी में जो भी देखा, और हम भी उसी तरह से, तो लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। शान भी बोल रही थी मेरे से कल ना कि पापा मम्मा का जिस दिन बर्थडे है साथ में मैं अपना उसी महीने दो बार मनाऊंगी। मैंने कहा चल ठीक है, उसको किसी का भी बर्थडे में मैं टॉफी बांटूंगी, मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया मेरे बर्थडे भी होता है तो बोलते आज पापा की, फिर मैं उनको पैकेट देता हूँ दोनों को, एक पैकेट ले लो, चाह होता है बच्चों को ना कि अच्छा कुछ है, तो उस तरह से मतलब हमारे यहाँ पे इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि लड़कों का तो कुछ नहीं है, चलो जो भी है, बट लड़कियों को देखो दूसरे घर जाना होता है, तो अगर अपने पाँव पे स्टैंड होंगी तो वहां पे मतलब किसी की सुननी नहीं पड़ेगी उसी हिसाब से, जैसे ऐसा नहीं कि भी सुननी नहीं आप फिर वो भी गलत ले ले जाओगे, पर लड़कियों का अपने पाँव पे स्टैंड होना बहुत जरूरी है ये मुझे लगता है, और हमारे मैंने अपने रिलेशन में, अपनी रिश्तेदारी में, हर जगह ही मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस की है, और जब हमें खुद हमारे माँ बाप के उससे ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस रखा गया, पढ़ाई लिखाई में खैर हम भी ठीक थे, और फिर माँ बाप का भी यही था कि अपने पाँव पे स्टैंड होंगी तो तभी शादियाँ करेंगे, ऐसा वैसा होता है ना, मतलब एक थोड़ी सी चीज़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भी लड़कों का मनाया जाता है लड़कियों का नहीं, ये मतलब लिखने लग जाना, क्योंकि ऐसा यहाँ पे नहीं चलता, हिमाचल में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करता होगा, बाकी होगा कहीं तो मुझे नहीं है पता इस चीज़ का, लेकिन मैंने जो जहाँ तक देखा है अपने सराउंडिंग में या अपने रिलेटिव्स में, तो सब लड़कियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लड़कों को ये बोलते हैं कि चल ठीक है भाई, चाहे से भाई और कुछ ना भी करेगा दिहाड़ी लगवा लेंगे इससे, डंडा मार के करा लेंगे, पर लड़कियों का पाँव पे स्टैंड होना जरूरी होता है, तो ऐसी ऐसी बातें, बाकी देखो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं होता ही नहीं होगा, होता भी होगा भाई, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, और कुछ नहीं ऐसा दिल करे कुछ वहां ऐसे सोच रही हो कि यार अच्छा अच्छा खाना खाना था मैंने, मैं यही बना दूंगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं करने का, देख मैं जा रहा हूँ मार्केट यार, बोल क्या खाना है बोल, नहीं हम ना बना भी दूंगा मैं, देखो हमारे लिए मतलब कई बारी कुछ एक लोग बड़ी अजीबोगरीब चीजें भी लिखते हैं, हम पता कैसे लोग हैं, हम एक तरह से जिंदगी मिली है एक बार है ना, इंजॉय करो उसको, किस लिए कमा रहे हैं हम लोग, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुशी के लिए, हम अच्छा एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें, जो कि हम मेंटेन करते हैं, हम खाते हैं पीते हैं आराम से खुश रहते हैं, और हाँ अगर हमें लगता है कि किसी की कोई हमें नीडी दिखता है उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो हम उसमें भी पीछे नहीं रहते, और बस गलत काम करने से डरना चाहिए, बाकी अच्छा काम करने से क्यों डरना, तो खाओ पियो इंजॉय करो, क्यों मतलब किसी के उसमें कि हाँ ये वैसा ये ऐसा, तो चलो मैं बाजार जाके आता हूँ और ठीक है, और आज का ब्लॉग मुझे लगता है कुछ थोड़ा लंबा हो रहा है, तो फिर कल मिलते हैं और नए साल में कुछ पार्टी शार्टी करने चलते हैं कहीं ना कहीं, न्यू ईयर बनाने के लिए, जी जरूर, तो आपके लिए एडवांस में बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, सोचो आज 26 है एक्चुअली, प्लान तो इनके देखो 25 के लिए भी थे, लेकिन मेरे नहीं थे, नो 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 नो, ये प्लान जब बनाते हैं ना उनको कभी भी पूरा नहीं करते, लेकिन इस बार न्यू ईयर का प्लान मैं बनाऊंगी, चलो देखते हैं बंदा, और देखते फिर देखना कैसे प्लान सक्सेस नहीं होता है, ठीक है चलो फिर ना, हाँ। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।